और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो जी। मेरा नाम शुभम श्याम है, मैं बिहार से हूँ। जी शुभम, बचपन में तो वियर्ड सपने होते हैं, सोचने समझने की ताकत होती नहीं है, तो आप ऐसे ही वियर्ड सपने देखते हो। जी। मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक सपना देख लिया जो मेरे घर वालों के लिए काफी वियर्ड हो गया। क्यों? क्या वियर्ड? वो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने बोला उनको कि मैंने हिंदी में कविताएं लिखनी है। ओ, हिंदी। अच्छा, पीटा उन्होंने? हमारे घर में स्टील के बर्तन थे तो सिर्फ डेंट आया, टूटा नहीं। अच्छा, तो सुनाओ यार कुछ। यार बड़ा शौक, मुझे बड़ी अच्छी लगती कविताएं, कुछ सुनाओ। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना सकूं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तो ऐसे लोग जो आपको ये बात कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ये तो कहते हैं अपना टाइम आएगा। आया, आ गया सर। बिल्कुल। कि मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वाह, गिर जाना मेरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुभम जी, बहुत शुक्रिया सर जी। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो एवरीवन। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंशुल पोदार है, मैं मुंबई से हूँ। सर, बचपन में मेरा एक बड़ा ही वियर्ड सपना था। अच्छा जी। ऐसा था कि मैं जब 5-6 साल का था तो मुझे शेर पालने का शौक पड़ गया है। अच्छा। अब ये समस्या हो गई घर वालों के लिए कि अब ये शेर घर में लाना कैसे पॉसिबल है। अब मैंने जिद पकड़ ली, भाई शेर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक सॉफ्ट टॉय लाके दे दिया शेर का। अच्छा। उन्होंने बोला ये क्या है, ये तो कुछ काम का नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है रुको, तुमको बड़ा वाला शेर लाके देते हैं। वो भी सॉफ्ट टॉय निकला। मैंने बोला मुझे सॉफ्ट टॉय नहीं चाहिए, रियल वाला शेर चाहिए जिसके मुंह में मैं हाथ डाल सकूं, उसके ऊपर हाथ फिरा सकूं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं, उसकी मूछें बालों से खेल सकूं। आपके कहीं चोट वोट लगी थी बचपन में कुछ? सर बचपन का शौक है ना। हाँ, एक्चुअली असली शेर से मिले कभी कि नहीं है, फिर आप आधा सेकंड के लिए देख पाओगे, उसके बाद तो मुंह में हो गया। शेर चलेगा लेकिन इच्छा तो पूरी होगी। इच्छा क्या, उसको अंतिम इच्छा समझना। शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। एक इच्छा थी आपके शो में आने की, वो पूरी हो गई। क्या बात है। इच्छा बची है वो शेर से मिलने की, हो जाए। अच्छा हुआ ये वाली पहले पूरी कर ली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। अरे पीछे पूरे गुजरात से आई है महिलाएं इतनी सारी। नमस्कार जी, बड़ा अच्छा लगा आपको बड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में। केम चल रणवीर सर, पजामा परेशान मारा, पजामा पजामा। हम चाहते हैं सारी सहेली आपके साथ स्टेज पे गरबा खेलना, अगर आपकी इजाजत हो तो। स्टेज तो कपिल जी का है, प्लीज प्लीज बताए आप ही का। आइए आइए, प्लीज 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 आइए, आइए आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद कमला बेन, रेनू बेन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी, आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मेरे मसाज का पैसा चाहिए मेरे को। ऐसा कोई मसाज करता है? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मैं जा रही है। ऐसा मसाज कोई करता है? मेरा मसाज का, मसाज का ऐसा कोई? वाह वो मेरे को मेरे मसाज का पैसा चाहिए चाहिए। किस बात का मसाज के पैसे?
सर इतना खराब मसाज किया और पैसे मांग रही, पैसे चाहिए चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए हाँ, चाहिए दे। जस्ती नाटक किया ना तूने, मैं तेरे को दिखाएगी। क्या कर लेगी? दिखाएगी मैं तेरे को। क्या कर लेगी तू? मैं क्या कर लेगी बता? मेरे पास आज का पैसा दे, पहले मसाज मेरा पैसा दे, पहले मसाज मेरा पैसा दे, पहले मसाज मेरा पैसा दे, पहले मसाज एक मिनट ज्यादा हा 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 मत कर, तेरा फेफड़ा भर आ जाएगा। जाके अपना कपड़ा बदल, मलाड की भूतनी लग रही है। हट, हट। क्या बात है, आज मेरे फेवरेट लोग आए ले, जोरदार तालियां। कैसे आप? हाय हाय। नहीं नहीं मैं अंदर से कुछ और हूँ, मेरे को मिलने दो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आइए आइए, थैंक यू, आइए आइए बैठिए ना। जयेश भाई मजेदार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जोरदार, अरे जोरदार काम किया तभी तो मजेदार लगाए हम लोगों को। माय गॉड क्या मस्त लग रहे आप लोग दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपकी तो एनर्जी बाबा कोई मैच ही नहीं कर सकता। तेरे को मालूम है कप्पू, क्या एक बार इनके सेट के ऊपर इनका डायरेक्टर अर्चना जी, उसने जनरेटर तोड़ दिया। अरे जनरेटर पे भड़क गया, बोलता है हमारा हीरो पानी पी के इतनी एनर्जी दिखा रहा है और तू डीजल पी के बंद पड़ा है, ये क्या है? माय गॉड मेरे को बहुत अच्छे लगे, आज तो मैं भी एनर्जी में हूं। मैं आपको देख के मेरे को एनर्जी आ गया है। एक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा शख्स जो मेरी एनर्जी को मैच कर सकता है, कृष्णा नाम है उसका, आप जानती हैं उनको? हाँ मेरा भाई है वो, बहुत अच्छा घाघरे के अंदर वही है। वो आज ये गुजराती बन के क्यों घूम रही है? अच्छा मैं गुजराती बन के घूम रही, तेरे को प्रॉब्लम है? वो गुजराती बने उनको तो कुछ नहीं बोला तूने? अबे उनकी तो फिल्म आ रही है ना। हाँ तो मेरी भी मौसी आ रही है। हाँ हाँ मेरे को ना गुजराती लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे मारी ना किस तोड़ी ना किस भुक्को करी ना किस। इसीलिए कहता हूँ ये सब कपड़े मत पहना कर, सारा काम खराब हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.